और ये रहा केबल कार का स्टेशन। और यहाँ पे ये इस स्टेशन की कार पार्किंग है, मतलब अगर जैसे कि जो यहाँ के लोग आते हैं, अगर किसी को वहाँ नीचे मेन सिटी में जाना है, ये तो जैसे यहाँ पे गांव हो गया लोगों का, जैसे गांव होता है, ये गांव टाइप है पूरा, यहाँ के तो गांव से ही इतना बहुत तेज हवा चलती है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पार्किंग है, लोग ये जो आसपास के गांव में लोग रहते हैं वहाँ पे अपनी कार को अपनी यहाँ पे पार्क करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे केबल कार में ट्रॉली में यहाँ पे बैठते हैं, और इसके बाद फिर इस उड़न खटोले में वो नीचे जाते हैं, और फिर नीचे जाने के बाद वो वहाँ से अपना जो भी काम वाम है वो सब करके वापस आते हैं, और यहाँ से अपनी कार पिक करते हैं वापस अपने अपने घरों में नियर बाय। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज सिस्टम है, मतलब यहाँ से आपको सीधा कार लेके डायरेक्ट नीचे नहीं जाना। अभी भी मुझे मुश्किल से 10 या 15 मिनट लगे होंगे, मैं 10-15 मिनट में पूरा ऊपर आ गया हूँ, नहीं भी तो कम से कम मैंने 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र तय किया होगा। अभी ये गांव की सड़कें हैं यहाँ की, जो कि बहुत ही प्यारी हैं, सब जगह पूरी लाइट्स वगैरह सब कुछ है। ये अभी मैं इस जगह पे आ गया हूँ, लोग यहाँ पे बैठ के पिकनिक वगैरह मनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग, यहाँ पे जैसे इन्होंने अपना खाना वाना बनाते हैं लोग आग वाग लकड़ियों से जला के, तो पूरा बारबेक्यू वगैरह सेटअप सारा यहाँ पे लोगों के बैठने की जगह है। और मैंने इस केबल कार के बारे में पढ़ा था, तो इस केबल कार के बारे में ये लिखा था कि अभी यहाँ पे काम चल रहा है, बट वो 6 महीने पहले का था जो मैंने आर्टिकल पढ़ा था किसी का, बट यहाँ पे अभी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर व्यू है। मेरे को नहीं लगता कि इस जगह पे लोगों को डिप्रेशन, माइग्रेन, एंजाइटी, हाइपरटेंशन और ये मतलब यही सारी चीज़ें होती होंगी। इस वाले पेड़ में फल लगे हुए हैं कुछ, ये देखो, आई डोंट नो ये क्या है। कैन यू ईट? नो, ओके, वी कैन नॉट ईट इट, ओके। A few moments later. मतलब उसके बोलने से मैं समझ गया कि इसको खा तो नहीं सकते हैं। काश मेरा गांव भी ऐसे कहीं जगह पे होता ना, मैं गांव में ही रहता। अब मैं चलता हूँ अंदर स्टेशन की तरफ। जब ये ट्रॉली आती है तो हमें उतरना उस साइड से होता है और हमें जाना इस साइड से होता है। तो अभी हम वेट करते हैं पहले लोगों का उतरने का, वैसे तो खाली आ रही है बट जनरली अगर इसमें लोग होते हैं तो वहाँ पे वो स्टार्टिंग में वो जो येलो वाला वो दे रखा है उधर से वो लोग उतरते हैं, तो यहाँ से फिर हम इसमें चल सकते हैं। English. English. Okay. No. The wind. Was yeah. Thank you. Where you come from? India. Yeah. तो दोस्तों ये वाला स्टेशन मैंने अभी बीच में एक स्टेशन स्किप किया था, ये दूसरा स्टेशन है, तो मैं दूसरा स्टेशन में आया हूँ और मेरे को लग रहा है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का जो डिस्टेंस है वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर का है यहाँ पे। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ और इस वाले स्टेशन का नाम है स्टेशन कैंपस, तो हम इस वाली एग्जिट से चलते हैं और ये ऑटोमेटिक गेट खुल जाते हैं, इसके अपने आप सेंसर लगे हुए हैं। और ये शहर है और मेरे पीछे देखो दोस्तों कितना प्यारा व्यू लग रहा है यहाँ पे,
और ये सामने जो आप देख रहे हो ये फुट ओवर ब्रिज है, यहाँ से वॉक करके वॉक करते हैं हम लोग यहाँ पे। A few moments later, ये दिख गया, तभी मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। बस अब मैं वापस नीचे की तरफ जा रहा हूँ। गेट खुल गए दोस्तों, तो मैं चल लेता हूँ बाहर। और दोस्तों अभी मैं यहाँ पे एक जगह आ गया हूँ, इस जगह का नाम रियूनियन मार्केट और आगे कुछ इसमें लिखा है। और यहाँ पे ये वाली जो साइकिल्स हैं, ट्राई साइकिल बोलते हैं इनको यहाँ पे, तो ये बड़ी चलती है यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे बिग बाज़ार वगैरह होता है वैसे होता है यहाँ पे। और अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिस्टम रहता है सारा। और यहाँ पे भी दावत के रोज़ाना बासमती राइस आते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो दावत के जो बासमती राइस हैं ये डब्बे में पैक हैं, और ये इतने प्यारे लग रहे हैं ना, मेरे को लग रहा है सारा अच्छा अच्छा माल तो यहीं आ जाता है। और दोस्तों यहाँ पे वाइन शॉप अलग से नहीं होती है, जो यहाँ पे मॉल्स वगैरह में या जो भी मार्केट सुपर मार्केट वगैरह में जो शॉप्स होती हैं वहीं पर इनका अलग से काउंटर होता है वाइन्स का। अभी मैंने दो चॉकलेट्स लिए हैं, और ये काउंटर होते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने ले लिए यहाँ से, एक यूरो की पड़ी है मुझे दोनों चॉकलेट, एक प्रोटीन बार है और एक किटकैट है, तो ये मुझे दोनों मिला के एक यूरो की पड़ी है लगभग 80 रुपये। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं बस स्टैंड पे आ गया हूँ, जहाँ मुझे जाना है वहाँ के लिए बस मिलेगी, और बस नंबर मिलेगा मुझे ये वाला 1 2 3 4, ये चारों बस 5 6 7 8 नंबर, ये सारी बसेस वहीं जाएंगी जहां मुझे जाना है। और ये मेरी 5 नंबर बस आ गई है, तो अब मैं इसमें बैठ के चलता हूँ। तो अभी दोस्तों स्कैन करके मैं आ गया हूँ बस के अंदर। तो जी मैं उतर गया हूँ अभी यहाँ पर होटल दे वेल में, और अब मैं इस साइड जा रहा हूँ, और यहाँ से आगे जाके राइट में मेरा होटल है। तो अब मैं जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा रहा आज का दिन।